हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। आई वेलकम यू टू द बायजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। आज का जो टॉपिक है बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम कर रहे हैं यूनिट 6 यानी कि इकोनॉमी एंड सोसाइटी का फुल रिवीजन। आज पूरी क्लास में हम आपको फुल रिवीजन कराएंगे यूनिट 6 का, ठीक है। बने रहिएगा शुरू से आखिरी तक और जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है। इसमें एक बात ये समझ लीजिए कि ये जो क्लास का जो मेन जो क्लास होती है ना, उसका सिर्फ हम 2% ही करा रहे हैं आपको यहां पर, ठीक है। तो सोच लीजिए अच्छी तरह से, समझ गए। लेकिन बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों के लिए यहां पर लेकर के आया हूं। मेगा वर्कशॉप होने वाला है यहां पर, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। निशांत सर जो है अल्टीमेट टीचर है हमारे, ठीक है, और मैथ्स पढ़ाते हैं, है ना। और बहुत सारे लोगों को इनके मैथ्स पढ़ाने से फायदा हुआ है। जिन लोगों को मैथ्स से बहुत डर लगता था, इन्होंने मैथ्स का डर जो है वो पूरी तरह से दूर कर दिया। तो अगर आप मैथ्स में धुरंधर बनना चाहते हैं, मैथ्स के धावक बनना चाहते हैं, तो निशांत सर का ये वर्कशॉप जरूर से अटेंड कीजिएगा। इन्होंने बताया है कि प्रूवन टिप टू क्लियर यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। पूरे बहुत सारे टॉपर्स का ये इंटरव्यू लेते रहते हैं और उनका निचोड़ आपको ये देने वाले हैं। कब? 16 सितंबर को शाम को 8 बजे इनकी वर्कशॉप होगी। जरूर से अटेंड कीजिएगा स्टूडेंट्स, और जल्दी से अभी जाकर के ये जो मेरी क्लास है ना, इसको शेयर करके आओ। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो, बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है, इसको ज्वाइन कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन करके ही सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फ्री वीडियोज के जो लिंक होते हैं जो आप लोगों से मिस हो जाते हैं, आप लोग बोलते हैं कि सर मिल ही नहीं रहा है सर, तो वहां पर सबसे पहले जैसे ही ये वीडियो मैं अपलोड करता हूं, सबसे पहला लिंक वहीं पर आपको मिलता है। तो आपको फिर सर्च नहीं करना पड़ता है, फ्री क्लासेस मिल जाती है वहां पे आपको बहुत सारी, ठीक है, और रेगुलर पेड क्लासेस के भी लिंक मिल जाते हैं। अगर क्लास में अगर आप सच में JRF और सीरियस स्टूडेंट हैं और आपको पता चल गया है कि आपका सोशियोलॉजी वीक है, तो एनरोल कर लीजिए क्लास को। और एनरोल करने के लिए क्या करना होता है, 9241333666 पर कॉल करना होता है, 9650052904 पर कॉल करना होता है। चलिए आ जाइए, सबसे पहला जो टॉपिक आपका यूनिट 6 में दिया हुआ है वो है एक्सचेंज, गिफ्ट, कैपिटल, लेबर एंड मार्केट। ये सारी चीजें क्या होती हैं समझेंगे। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक, बहुत सारी किताबें मैंने क्लास में कराई हैं, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ यही 3 इंपॉर्टेंट किताबें लेकर के आया हूं, ताकि आप लोग जो हैं ये मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट किताबें कम से कम यूनिट 6 से रिलेटेड याद तो रखें ही रखें। सबसे पहली किताब है एंटी स्मेल्सर की, ठीक, और आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। कई बार ये बुक जो है एग्जामिनेशंस में सोशियोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट जो किताब आपको याद रखनी है वो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, किसने लिखी है, रिचर्ड स्वेडबर्ग। ये भी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या बता रही है, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी का प्रिंसिपल्स बता रही है, यानी बेसिक्स बता रही है, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक सोशियोलॉजी बुक है रिचर्ड स्वेडबर्ग की, और ये बुक भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, हैरी बेवरमैन की, लेबर एंड मोनोपोली कैपिटल। कई बार यूजीसी नेट ने भी और बहुत सारे डिफरेंट एग्जामिनेशंस में भी ये किताबें पूछी गई हैं, और तीनों की किताबें जो है ना कई बार रिपीट भी हुई हैं, इसलिए इस बार भी आने की पूरी संभावना बनी रहती है। एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज हम किस चीज को कहते हैं, एक्सचेंज हम किसी भी चीज के गिव और टेक का जो रिलेशन होता है उसे कहते हैं, ठीक है, यानी लेने और देने का जो रिलेशन होता है उसे ही हम समाज में क्या कहते हैं, एक्सचेंज। एक्सचेंज को हिंदी में हम कहते हैं विनिमय। और बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे, सबसे डायरेक्टली आते हैं कार्ल पोलियानी के कॉन्सेप्ट पे। इन्होंने एक्सचेंज के बारे में बहुत इलेबोरेटली डिस्कस किया है, और ये कहते हैं, ये एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन जानी जाती हैं, कार्ल पोलियानी जाने जाते हैं,
ठीक, इन्होंने थ्री टाइप्स ऑफ एक्सचेंज सिस्टम बताए हैं इस धरती पे, इस दुनिया में। ठीक, आर्थिक इतिहासकार कार्ल पोलियानी ने डिटेल में विनिमय के आवंटन के सिद्धांत जो है उसको डिस्कस किया है। इन्होंने बताया कि तीन तरह के विनिमय जो होते हैं इस धरती पर होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? रेसिप्रोसिटी। दूसरा क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या होता है? मार्केट एक्सचेंज। रेसिप्रोसिटी क्या होता है? रेसिप्रोसिटी ये होता है मतलब पारस्परिक विनिमय। ठीक, पारस्परिक का मतलब, पारस्परिक विनिमय का मतलब क्या होता है? जैसे मैं तेरे को कोई चीज देता हूं तो मैं ये एक्सपेक्ट भी करता हूं कि तुम भी मुझे कुछ दोगे। लेकिन स्टूडेंट्स, ये दो तरह की होती है। एक होती है जनरलाइज्ड, ठीक, जनरलाइज्ड, और दूसरी होती है बैलेंस्ड। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तीन तरह का होता है। एक होता है पुनर्वितरण, तीसरा होता है बाजार विनिमय। ठीक है, पारस्परिकता, पुनर्वितरण और बाजार विनिमय। ठीक, ये कार्ल पोलियानी ने डिस्कस किया है। रेसिप्रोकल एक्सचेंज मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि रोल ऑब्लिगेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कार्ल पोलियानी कहते हैं कि जब आप रेसिप्रोकल एक्सचेंज करते हैं तो वो आप रोल ऑब्लिगेशन के कारण कर रहे होते हैं। यानी एक फादर जो है वो अपने बच्चों की देखरेख करता है। वाई? बिकॉज ही इज द फादर, और उनकी ये ड्यूटी है, उनका ये रोल है, उनका ये भूमिका है। अगर अभी तक आपने स्टेटस और रोल वाली मेरी क्लास नहीं देखी है स्टूडेंट्स, तो फ्री है वो, ठीक है, उसको देख लीजिए। मैंने अभी समझाया है, पिछले दो दिन पहले ही समझाया है स्टेटस सेट, ठीक, मल्टीपल रोल, रोल सेट। अगर नहीं देखा है तो देख लो उसको, समझ गए। और कहीं पर भी कंफ्यूजन आता है तुरंत मुझसे आप मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल एक्सचेंज जो होता है, कार्ल पोलियानी स्पेशली क्या कहते हैं कि रोल ऑब्लिगेशन की वजह से होते हैं। जैसे आप अपने ग्रैंड पेरेंट की आज देखभाल करते हैं, क्यों? क्योंकि कल आपका जो नाती होगा, आपका जो पोता होगा, वो भी आपकी देखभाल करेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज द रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। आप अपने पापा से, मान लीजिए आप बाहर रहते हैं, अपने पापा से मिलने जाते हैं, अपने घर जाते हैं, अपने मम्मी के पास जाते हैं, आप कुछ सामान लेकर के जाते हैं, कुछ गिफ्ट लेकर के जाते हैं। क्यों लेकर के जाते हैं? बिकॉज ऑफ दिस रोल ऑब्लिगेशन, क्योंकि आप उनके बेटे हैं, आप उनके तो ये कहते हैं कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज का मोस्ट बेसिक यूनिट, सबसे आधारभूत जो इकाई है वो क्या है? वो है रोल ऑब्लिगेशन, यानी कि भूमिका दायित्व। आप अपने भूमिका के दायित्वों को निभाते हैं, सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपको ये करना चाहिए, रेसिप्रोकल एक्सचेंज उसे कहते हैं। अब रेसिप्रोकल एक्सचेंज दो तरह की होती है। एक होती है जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी, जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे लोगों के साथ ये सामान्यीकृत पारस्परिकता होती है। यानी जब आप अपने मम्मी को कोई चीज गिफ्ट देते हैं और फिर आपकी मम्मी जब आपको कोई गिफ्ट देती है, तो क्या आपकी मम्मी कभी उसकी वैल्यू देखती है क्या, कि अरे ये इतने कम पैसे का क्यों लेकर के आए हो? जल्दी बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। कभी ऐसा होता है कि आपके पापा आपसे बोलें कि अरे इतने कम पैसे का सामान हम नहीं लेंगे, चलो लेके जाओ यहां से वापस? होता है कभी? मान लीजिए आप गर्म कपड़े, ठंड आने वाली है, आप गर्म कपड़े, मैं अक्सर ऐसा करता हूं जब मैं दिल्ली जाता हूं, तो मैं वहां से डेकाथलॉन जो है, वहां स्पोर्ट्स वाले जो वार्म क्लोथ्स मिलते हैं, बहुत गर्म होते हैं, तो मैं क्या करता हूं हमेशा, जब भी मैं दिल्ली जाता हूं तो मतलब ठंड के आसपास जब मैं अगर जाना हो जाता है, जैसे सितंबर अक्टूबर में मैं जाता हूं, तो मैं हमेशा अपनी मम्मी के लिए और पापा के लिए वो वार्म इनर्स लेकर के आता हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है। तो क्या वो पेरेंट्स उसके रुपए देखते होंगे क्या? कभी ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता। क्या वो सोचते हैं कि नहीं नहीं इसको तो लाना ही चाहिए, हमारे लिए ऐसे कैसे नहीं लाएगा? या आप ये सोचते हो क्या कि मैंने इसको दिया है तो फिर ये भी मुझे, इसको भी मुझे देना चाहिए? इज इट लाइक दैट? कभी ऐसा होता है क्या, या हो सकता है क्या कि आपके पेरेंट्स के बारे में और आप बीच में और आपके बीच में कुछ इस तरह का रिलेशन हो? इज इट पॉसिबल स्टूडेंट्स? बताओ मेरे को, किसी का भी कमेंट अभी तक नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, अब नजर आना शुरू हुआ, लगता है कि कुछ प्रॉब्लम यही थी। मैं वही सोच रहा हूं कि यार लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं आज। ठीक है, वेरी गुड, अब आना शुरू हुआ है कमेंट।
सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगा, शोभा अंसारी पूछ रही है। शोभा सब्सक्रिप्शन के लिए बेटा आपको, देखिए मैं अभी बैग जा रहा हूं, ये जो नंबर दिख रहा है शोभा 9241333366 और 9650052904 पर आप कॉल कर लीजिए, आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक शोएबा, मैं समझता हूं कि आपको जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई। जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी पे हम लोग थे, तो जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी पे ना ही तो टाइम ऑफ रीपेमेंट देखा जाता है। देखिए दो चीजें इसको बनाती हैं, फर्स्ट टाइम ऑफ रीपेमेंट जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, नॉर लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है, नीदर वैल्यू नॉर रीपेमेंट टाइम ऑफ रीपेमेंट, ना तो मूल्य को ही देखा जाता है और ना ही इसकी गणना की जाती है कि आप पुनर्भुगतान कब करेंगे। आप जब अपने पापा को लाकर के कोई चीज देते हैं या आपके पापा आपको कोई चीज लाकर देते हैं, तो फिर आप उसमें पुनर्भुगतान की बात नहीं करते हैं कि भैया पापा मैंने आपको गिफ्ट लाके दिया था, अब आप मुझे कब लाके दोगे। नहीं नहीं, एक महीने के अंदर लाकर देना, और मैंने आपको 200 रुपए का गिफ्ट लाके दिया है तो आप मुझे 250 रुपए का देंगे, ऐसा होता है क्या? कभी भी ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो रेसिप्रोसिटी होती है वो है बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी। अब इसमें समझिएगा बहुत अच्छी तरह से। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके दोस्त का बर्थडे है, ठीक है, दोस्त का बर्थडे है, आपने 10 अपने दोस्तों को बुलाया पार्टी में, है ना, वो 10 के 10 आए, बढ़िया आपने अच्छी होटल में पार्टी दी, 10 के 10 लोग आपके लिए गिफ्ट लेकर के आए, ठीक, आपको मजा आया है, अच्छा गिफ्ट मिला आपको, आप सब दोस्तों से मजा आया, ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए कि आपके उन 10 दोस्तों में से किसी का बर्थडे आता है, वो भी आप लोगों को मस्त 10 लोगों को बुलाता है, आप लोगों के 10 लोगों का ग्रुप है, मगर आप जाते तो हैं उस होटल में, लेकिन गिफ्ट लेकर के अगर आप नहीं जाते हैं तो उसको क्या लगेगा कि अरे यार बताओ, हम इतना पैसा खर्च किए थे इसके बर्थडे में, वो सबको बताता फिरेगा कि अरे यार इतना कंजूस है भाई, मेरे आया खाया और चला गया, और हम जब गए थे ना तो हम इसके लिए वो ब्लूटूथ वाला ईयरफोन लेकर के गए थे, बताओ है? मतलब सब लोग फिर क्रिटिसाइज करते कि हैं तुम उसके लिए, तो क्या होता है यहां पे आप रीपेमेंट के बारे में सोचते हो, आपको लगता है कि यार मैंने इसके बर्थडे पे गिफ्ट किया तो ये भी मेरे बर्थडे पे गिफ्ट करेगा, बात समझ में आई, ये होता है बैलेंस रेसिप्रोसिटी। अब मान लीजिए आपने किसी को कुछ, कोई आया आपके पास बोला भैया यार यार 500 रुपए दे दे यार, तो बोलेगा, आप बोलोगे कब लौटाओगे, तो बोलेगा लौटा देंगे 15 दिन में, बोलेगा नहीं आप 10 दिन में लौटा देना, वो होती है बैलेंस रेसिप्रोसिटी, ठीक है, समझ गए, तो इसको अपन बैलेंस्ड, इसको अपन संतुलित परस्परिकता कहते हैं। तो कार्ल पोलियानी ने दो तरह की रेसिप्रोसिटी बता दी, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ कॉमेंसुरेट वर्थ आर ट्रेडेड विद इन फाइनाइट पीरियड, डायरेक्ट एक्सचेंज होता है, समय का ध्यान रखा जाता है, और यहां पे वैल्यू का भी ध्यान रखा जाता है। आपने 100 रुपए दिए हैं, अगला ऐसा नहीं कर सकता कि आपको 90 रुपए लटाए कह रहे यार 10 रुपए तो दोस्ती में, ना 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 भाई, बैलेंस रेसिप्रोसिटी, यहां पे आप पूरी तरह से बार्गेनिंग करते हैं एक दूसरे के साथ। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि यार, जैसे आप देखिएगा शादी ब्याह में जब आप किसी के घर पे जाते हैं तो यहां पे क्या परिमित अवधि ध्यान में रखी जाती है, आप शादी ब्याह में आप देखिएगा वो व्यवहार करते हैं ना, तो आप लेकर के जाते हैं 501 रुपए, ठीक है, और आप उसको बकायदा आके किताब में लिख देते हैं, ठीक है, उस किताब का नाम ही होता है व्यवहार किताब व्यवहार पुस्तक है। फिर उसके बाद जब आपके यहां कोई कार्यक्रम होता है ना, तो आप देखते हैं कि रमेश जी जो है 400 रुपया लेकर के आए हैं, आप उसमें मिलाते हैं, मैच कराते हैं उसके साथ, हम बोलते हैं कि बताओ यार देखो अपन उसके यहां 501 रुपए देके गए थे और इसको बढ़ा के देना चाहिए कंजूस को, तो ये 400 रुपए दे गया है अपन ठीक है, तो ऐसे आपकी स्टेटस जो है, उस सामने वाले की स्टेटस जो है वो डाउन हो जाती है। नेक्स्ट जो रेसिप्रोक दूसरा जो बताया था उन्होंने वे ऑफ एक्सचेंज, वो था रीडिस्ट्रीब्यूशन। रेसिप्रोसिटी के बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी पुनर्वितरण। अब ये समझ लीजिए बहुत अच्छे से कि पुनर्वितरण क्या होता है।
पुनर्वितरण नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज को पहले कलेक्ट किया जाता होगा और फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता होगा। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, टैक्स सिस्टम, टैक्स कर। अब आप लोग में से शायद अभी बहुत कम लोग कर देते होंगे, जो जॉब करते हैं वो वगैरह, वो लोग इनकम टैक्स देते हैं। सरकार क्या करती है, सरकार जो है सबसे पैसा वसूल लेती है, वसूली करती है, ऐसे पैसा वसूल लेती है सेंटर में, केंद्र में किसी, ये सब पैसा जो है वो चला जाता है, सबसे टैक्स ले लेती है पूरे भारत से। जीएसटी के नाम पे टैक्स ले लेती है आपसे, वैट के नाम से आपसे टैक्स ले लेती है, हैं? और ऐसा लगता है कि हम लोग किराए के घर में रह रहे हैं, बिजली का किराया देखो मतलब 2000 रुपए तो आ ही जाता है ले देके, है ना। पानी का किराया ले लेती है सरकार, कभी कभी तो ऐसा लगने लग जाता है कि ये हमारा घर है कि किराए का घर है, ठीक है। तो सरकार इन पैसे का करती क्या है, सरकार फिर क्या करती है कि आपके घर के सामने जो रोड पड़ी हुई है ना, खराब हो गई है, उसको बनवाने का काम करती है सरकार, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि किसने टैक्स दिया है और किसने नहीं दिया है। वो जो सड़क का मेंटेनेंस है ना, वो करती है सरकार, अब नहीं कर रही है वो तो सरकार की गलती है, ठीक है। लेकिन ये सब होना चाहिए, ये इसी को क्या कहते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसा होता है क्या कभी कि इस सड़क पे वही आदमी चलेगा जिसने टैक्स दिया है, ऐसा नहीं होता है। यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि किसने दिया है और किसने नहीं दिया है, सबको उस सड़क पे समान अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। इस तरह के सिस्टम को हम पुनर्वितरण कहते हैं। दिस इज द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रिफर्स टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड अ सेंट्रल, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेंट्रल कलेक्टिंग सोर्स। पहले हमसे पैसे इकट्ठे कर लेती है सरकार, फिर उसके बाद सरकार अपने दायित्वों के अनुसार और लोग भी अपने दायित्वों के अनुसार। अब जैसे कोई आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है महीने का, तो वो उस हिसाब से टैक्स देता है भैया। कोई आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है, तो चल भाई तू 10,000 कमा रहा है तो तू क्या टैक्स देगा, तो सरकार सोचती है कि चलो ठीक है रहने जाओ, मत दो टैक्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन लाइक रेसिप्रोसिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज भी जो है, बिकॉज पीपल आर ऑब्लिगेटेड टू ईच अदर, मतलब सरकार ये चाहती है कि अरे आपने इतना पैसा कमाया है और लोगों से ही कमाया है और गरीब लोगों से ही कमाया है, तो आप इतना टैक्स तो दो यार, आप इतना दायित्व तो रखो, इतना कर्तव्य तो पालन करो, ठीक है। तो विनिमय की यह प्रणाली लोगों के एक समूह और भूमिका दायित्वों पर आधारित होती है, ठीक है। केंद्रीय संग्रह स्त्रोत होता है, यहां पे पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद सड़क पानी की व्यवस्था जो आपके लिए की जाती है, बिजली की व्यवस्था जो आपके लिए की जाती है, ठीक है, जो टेलीफोन लाइन बिछाई जाती है, ठीक, ये जो आपको नेटवर्क मिल रहा है, ये जो सुविधाएं मिल रही हैं, ये शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, ये सब मिल रहा है जो आपको स्विट्जरलैंड वाला, ठीक, वो इसी वजह से मिल रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से, ठीक है, क्योंकि लोग एक दूसरे के लिए बाध्य होते हैं, हर एक व्यक्ति का एक दूसरे के लिए कर्तव्य होता है। चलो अब देखो, पोटलाक सेरेमनी आपको याद है, पोटलाक सेरेमनी की स्टडी किसने की है, जल्दी से बताओ यार, बी मेलिनोस्की ने की है, ठीक। पोटलाक सेरेमनी कहां पर होती है, नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका में जो लोग रहते हैं वहां पर, और पोटलाक सेरेमनी बहुत सारे लोगों ने स्टडी की है, कार्ल पोलियानी भी उनमें से एक है, उन्होंने भी स्टडी किया। ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं ना मेरे ठीक ऊपर, ऐसा लग रहा है कि बहुत सुंदर सी सीनरी, कोई मतलब सीनरी रखी हुई है, तो वो पोटलाक सेरेमनी है। पोटलाक सेरेमनी के लोग क्या करते हैं, पोटलाक सेरेमनी में भी यही होता है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक तरह का हाउस पोटलाच होता है, मैं आपको वो एग्जाम्पल बता देता हूं। या पोटलाच में देखो दो तरह से पोटलाच होता है, एक तो अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति क्या करता है कि पहले खूब सारा धन इकट्ठा करता है, ठीक है, अपने पास इकट्ठा कर लिया, उसने खूब कमाया, रात दिन पैसा कमाया, मेहनत की कड़ी मशक्कत से हस्बैंड वाइफ ने मिलकर के पैसा कमाया। तो उत्तर पश्चिमी तट अमेरिका के भारतीय, मतलब अमेरिका के भारतीय नहीं होते, ये मतलब आदिवासी होते हैं, इंडिजिनस लिखा हुआ है ना, इंडियंस मतलब वहां के आदिवासी,
ठीक है, के बीच पोटलाच समारोह का पुनर्वितरण का एक प्रकार है। ये रिडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक आदिवासियों के बीच बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ, तो क्या होता है, आप पहले सबसे खूब मेहनत करके पैसा कमाते हैं पोटलाच में, ऐसा बहुत होता है। अगर आपको बहुत अच्छा स्टेटस चाहिए ना उस पोटलाच सेरेमनी, उस आदिवासी समाज में जहां पे पोटलाच होता है, तो आपको क्या करना होता है कि आप पहले खूब सारा पैसा कमाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसी पैसे को आप एक समारोह ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत बड़ा, लोगों को खूब अच्छा अच्छा खिलाते पिलाते हैं, और फिर उस पैसे का गिफ्ट लेकर के आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सब लोग कहते हैं कि अरे वाह भैया, गजब कर दिया आपने केतु साहब, आपने गजब कर दिया केतु साहब। और फिर उसका समाज में एक स्टेटस बन जाता है, एक ओहदा बन जाता है, एक प्रेस्टीज बन जाता है, और उसको बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी जाती है समाज के अंदर। ठीक, इसके लिए पोटलाच। अब दूसरा पोटलाच समझ लो, ये वाला पोटलाच तो मेरे को पसंद नहीं आया था, दूसरा वाला पोटलाच मुझे बहुत पसंद आया। कि पोटलाच सेरेमनी जो होती है वो बहुत सारे तरह की होती है। जो सेकंड वाला जो पोटलाच था ना, उसमें ये था कि आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको घर बनाना है 5 साल के बाद, ठीक है, मान लीजिए आपको बहुत अच्छा घर बनाना है 5 साल, अपने टाइम लिखा कि यार 5 ईयर्स के अंदर मैं एक सुंदर भवन बनाऊंगा। ठीक, आपने सोचा मैं एक घर बनाऊंगा, ठीक, तेरे घर के सामने, ठीक, घर बनाना है 5 ईयर्स, तो आप क्या करोगे, ये पूरे 5 साल जो पोटलाच जहां पर होता है ना, ये क्या करेगा कि जो दूसरे दूसरे घर होते हैं दूसरे लोगों के, तो ये अपने पास पैसा नहीं रखते ये पोटलाच वाले, ये क्या करते हैं कि इन लोगों को रोज हर महीने जाकर इनके पास पैसा होगा ना, तो इसको 200 रुपए देंगे, इसको 500 रुपए देंगे, ऐसे करके ना सबको देते जाते हैं पैसा। हर महीने जब भी पैसा आता है इनके पास, तो ये क्या करते हैं, अपने पास पैसा रखेंगे तो खर्च हो जाएगा इसको, जैसे मान लीजिए 1000 रुपए, मतलब लोगों के स्टेटस के अकॉर्डिंग ये उस हिसाब से सबको पैसा बांटते रहते हैं। मान लीजिए इसने इसको 200 रुपए दिया, 500 रुपए दिया, 1000 रुपए दिया महीने के, ठीक, 5 साल में मान लीजिए इसके पास कितने हो गए, 2 लाख रुपए हो गए, सपोज कीजिए 2 लाख, इसके पास 5 लाख हो गए, इसके पास 10 लाख हो गए तुम्हारे पैसे, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि इनमें और पैसे मिला करके, जैसे ये 1 लाख रुपए अपने पास से मिला लेगा प्लस 1 लाख, ये क्या करेगा, ये भी 2 लाख रुपए अपने पास से मिला लेगा तो ये 7 लाख हो जाएगा, ये क्या करेगा, ये भी 3 लाख रुपए और मिला देगा तो ये 13 लाख हो जाएगा, और ये आपको सब लोग मिलकर के वापस करेंगे कब, जब आपको लाच सेरेमनी 5 साल बाद करेंगे, आप बोलेंगे भैया वक्त आ गया है, अब जो है जितने लोगों को मैंने पैसा लौटाया है, आप बोलेंगे कि आप लोग, आप ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे पैसा वापस चाहिए, आप बोलेंगे मैं पोटलाच कर रहा हूं, मुझे घर बनाना है, ये सब लोग ये पैसा लेकर के आएंगे आपके पास, मतलब कि ये जो छोटा घर है ये 3 लाख रुपए लेकर के आएगा, जो उससे बड़ा घर है वो 7 लाख रुपए लेकर के आएगा, और जो सबसे बड़ा घर है वो 13 लाख रुपए लेकर आएगा, यानी कि 3 और 7 10 हो गए, 10 आपको 23 लाख रुपए ला करके ये आपको देंगे। कितना अच्छा है, मतलब 2 लाख में 1 लाख रुपए ऐड करके दे रहा है, मतलब 5 लाख में 2 लाख रुपए और ऐड करके, ये भी पोटलाच कहलाता है, ताकि आप अच्छा सा सुंदर सा घर बना सकें, अपना गृहस्थ जीवन अच्छी तरह से बिता सकें, ठीक है। तो ये होता है हाउस पोटलाच कहते हैं इसको, ठीक। अब आते हैं मार्क, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम है, क्योंकि पहले तो आप एक सेंट्रल प्लेस पे आप इकट्ठा कर ले रहे हो, फिर उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। चलिए, ये दूसरा है, मतलब मार्केट एक्सचेंज। अब समझते हैं कि मार्केट एक्सचेंज क्या होता है। मार्केट में आप हमेशा गए ही होंगे जीवन में कभी ना कभी, ठीक। मार्केट में जो है मेनली मनी सप्लाई से ही चीजें चलती हैं, मनी सप्लाई। पैसा नहीं है तो मार्केट में आपकी कोई इज्जत, कोई स्टेटस नहीं होती। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात बताइए कि आप लोग सेशन को लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है क्या लेक्चर से, हो रहा है ना, तो फिर लाइक क्यों नहीं करते हो? अरे वो आदिवासी हैं भैया, उनका अलग सिस्टम होता है, वो बैंक में नहीं रखते शबनम। नहीं, राजलक्ष्मी वहां पे आज के समय में भी ऐसा होता है, ठीक है। लाइक करो और शेयर करो यार,
बहुत कम स्टूडेंट्स रहते हैं मनोज सर की क्लास में, तुम लोगों को अच्छा लगता है, हैं? चलो शेयर करो जल्दी से। इट इज अ एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड के आधार पे, नियम के आधार पे, यानी आदान और सेवाओं के, वस्तुओं और सेवाओं के, आपूर्ति और मांग के नियम के आधार पे यहां पे क्या होता है, मार्केट एक्सचेंज। उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट एक्सचेंज सिस्टम कहते हैं। ठीक, यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई और डिमांड के आधार पे रेट तय होता है, समझ गए। मार्केट फोर्सेस जो है वो रेट तय करती हैं, प्राइस मैकेनिज्म होता है, यहां पे हर चीज सोल्ड की जाती है और परचेज की जाती है, ये देखो एट मनी प्राइसेस। ठीक, यहां पे वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान मुद्रा की कीमत पर होता है, समझ गए। सर निधि कह रही है कि सर एक से ज्यादा बार लाइक का ऑप्शन नहीं होता है। अच्छा अच्छा निधि नहीं नहीं, लाइक तो आप एक ही बार कीजिए, शेयर कीजिए जितने बार करना हो, ठीक है। अब देखिए, इतने सारे तरह के ट्रेडिशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज सिस्टम होते हैं, इन सबको हम डिटेल में नहीं, ऐसे ही मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सब में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। सबसे पहला सिस्टम जो है बार्टर सिस्टम, जिसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली के रूप में जानते हैं। बार्टर सिस्टम क्या होता है ये समझ लीजिए। बार्टर सिस्टम जनरली ऐसे समाज में होता है जो कम विकसित समाज होते हैं, कम विकसित समाजों में होता है। सबसे पहला लेस डेवलप्ड सोसाइटी जो होती है ना, वहां पे बार्टर सिस्टम होता है। बार्टर सिस्टम में मनी नहीं होता है, मनी इज एब्सेंट, याद रखना। बार्टर सिस्टम में मनी एब्सेंट होता है। तो क्या होता है, ज्यादातर आदिवासी समाज में क्या होता है कि जैसे एक ऐसे करके जो है सामान अपना लगा देते हैं ढेर, और दूसरे का सामान होता है। फिर ये लोग जाकर के क्या करते हैं, बार्टर सिस्टम में ये जाके बार्गेन करते हैं, मोल भाव करते हैं, और उस आधार पे एक सामान को देते हैं, दूसरे सामान को उठा लेते हैं। सॉरी, जो स्मॉल और लेस डेवलप्ड सोसाइटीज होती हैं, जो छोटे और कम विकसित समाज जो होते हैं, वहां पे इस तरह का सिस्टम होता है। वहां पे जो आदिवासी समाज होते हैं जनरली, वहां पे बार्टर सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। यानी वस्तुओं के साथ विनिमय किया जाता है। इसे हिंदी वाले भी स्टूडेंट्स बार्टर ही याद रखिएगा प्लीज, क्योंकि वस्तु विनिमय बहुत कम बार इस्तेमाल होता है, शब्द ज्यादातर बार्टर ही जो है ट्रांसलेट करके लिख दिया जाता है यूजीसी नेट में, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम क्या हुआ, वहां पे आप वस्तु लेकर जाते हैं, ले यार चावल रख ले तू और मुझे गेहूं दे दे अपना, ठीक है। ले यार बैगन, मेरे यहां बैगन की सब्जी उगी हुई है, मैं बैगन लेकर के आता हूं, तू आलू लेके आ, मुझे आलू दे, मैं बैगन तेरे को दूंगा, ठीक है, समझ गए। इस तरह के एक्सचेंज को, जहां पे मनी एब्सेंट होता है, उसको बार्टर कहते हैं। अब साइलेंट ट्रेड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मौन व्यापार जिसे हम कहते हैं। मौन व्यापार क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि जब जंगल होते हैं ना, तो वहां पर आदिवासी जो रहते हैं, तो आदिवासियों के बीच में ना दो अलग अलग प्रकार के, जैसे मान लीजिए यहां पे कुछ आदिवासी रह रहे हैं, तो ये बीच में देखो मैंने पेड़ बनाया है, गौर से देखना, और यहां पे भी जंगल है, बीच में एक छोटा सा एरिया जो है वो निर्धारित कर दिया जाता है, और यहां पे कुछ आदिवासी रहते हैं इस जंगल के पीछे। अब क्या होता है कि ये जो आदिवासी होते हैं ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन जो चीजें यहां पर पैदा होवार होती है, जिस चीज का ग्रोथ यहां पर होता है उस चीज का ग्रोथ यहां पर नहीं होता है, जिस चीज का ग्रोथ यहां पर होता है उस चीज का ग्रोथ यहां पर नहीं होता है, यानी दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे को अगर देख लेंगे तो मार देंगे, काट देंगे, खा जाएंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हैं, निर्भर भी हैं, दोनों की निर्भरता है, डिपेंडेंसी है। तो ये जो क्षेत्र जो मैंने ऐसे ऐसे करके बनाया है, ये लोग क्या करते हैं, अपना सामान यहां पर ला करके ऐसे रख देते हैं, इसने अपना सामान ये रख दिया, ठीक है, यहां पर इसने सामान ला के रख दिया, दूसरे वाले ने यहां पर सामान ला करके रख दिया,
ठीक। फिर ये आदिवासी एक एक करके कौन पहले आएगा ये पूरी तरह से निर्धारित होता है, ठीक। ये लोग ग्रुप में मीटिंग करके सबसे पहले और ट्रेडिशनली ये चला हुआ आता है, ठीक, निर्धारित कर लेते हैं कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, कब ऐसे सामान रखना है, ठीक। और दौड़ के जाकर के पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं और दूर से देखते रहते हैं ऐसे करके, और तीर कमान तैयार रहता है इनका, ये कभी भी युद्ध हो सकता है, ठीक। भाले वाले सब लिए रहते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये देखो ये ऐसे डंडी वंडी सब ऐसा लिए रहते हैं, आ जाओ, युद्ध नहीं हो, क्या करेंगे। फिर उसके बाद छिपे रहते हैं लेकिन, और फिर उसके बाद एक आएगा, दूसरा जो है सामान जो है उसका उठा के ले जाएगा, अपना सामान रख देगा। अगर ऐसा हो गया कि वो इसका सामान उठा के ले गया और अपना सामान नहीं रख के गया ना, तो फिर भैया बहुत जम के युद्ध हो जाता है उनके लिए, ठीक है। तो उस तरह के, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसलिए वहां पे साइलेंट ट्रेड होता है, मौन व्यापार होता है, एक दूसरे से बात नहीं करते, बार्गेनिंग नहीं करते, अंडरस्टूड होता है, ईमानदारी से अपना सामान रखते हैं, दूसरे का सामान ले जाते हैं। अगर इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है, एक मूवी है मुझे बहुत पसंद आई थी, एपोकैलिप्टो, देख लेना। उसमें दो जो होते हैं आदिवासी वो दुश्मन होते हैं, आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी लेकिन मूवी देख लीजिएगा, तो देखने लायक मूवी है, मतलब समझने लायक, समझ जाओगे आप, क्योंकि कई चीजें तो भावनाओं से समझ जाते हैं, आंखों आंखों में इशारा हो जाता है, लोग आंखों आंखों में समझ जाते हैं, फिर यहां पर तो मूवी है और फुल एक्सप्रेशन किया है। नेक्स्ट जजमानी सिस्टम, जजमानी सिस्टम जो है यूनिक टू इंडियन सोसाइटी। जजमानी क्या है, एक कास्ट दूसरे कास्ट पर इंटरडिपेंडेंस होती है, परस्पर निर्भरता के कारण जजमानी प्रथा जो है हम लोग जो है हमारे भारतीय लोगों ने स्टार्ट की थी। इसमें क्या होता है, जैसे ब्राह्मण जो होता है वो भी दूसरे कास्ट पे डिपेंड करता है। आप देख लीजिएगा कि ब्राह्मण जो होते हैं, एक परिवार जो होता है दूसरे परिवार के यहां जाकर के अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे गांव में क्या होता है, कई लोग जमींदार होते हैं, है ना, उनके पास बहुत सारी जमीनें होती हैं, तो जो जमींदार होते हैं उनका जो नाई का परिवार जो होगा उनके पास फिक्स रहेगा, वो नाई जाएगा उनके पास, ठीक है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, जमींदार उसको अनाज देगा, ले जावे एक बोरी, ठीक, इस तरह का सिस्टम होता। जैसे पंडित जी चले गए, अरे पंडित जी आइए आइए, बहुत दिन बाद आए हैं महाराज, फिर उनके लिए अच्छा सा आसन लगाया जाएगा, बैठिए, ठीक है। तो पंडित जी कौन है, ब्राह्मण है, कहां आए हैं, बनिया के घर आए हैं, बनिया क्या है, जमींदार, बड़ी जमीन है उसके पास, अनाज बहुत सारा हुआ है, तो पंडित जी ये लीजिए दाल का बोरा है पंडित जी, ये लीजिए ये चावल का बोरा है पंडित जी, हाँ पहुंचा देंगे पंडित जी, आप काहे तकलीफ करें आने के लिए, ठीक है। पंडित जी बोलते, अरे बस जजमान बहुत अच्छा, ठीक, खुश रहो सुखी रहो, उसी में से दो चार दाना निकाल करके वो ऐसे उसको दे देता है, ठीक। तो कच्चा अनाज जो है वो पंडित जी लेकर के निचली जाति के लोगों से जाते हैं, तभी तो उनका घर चलता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, जजमानी प्रथा। इसी प्रकार से जो बहुत ज्यादा निचली जाति के जो लोग होते हैं, कोई फंक्शन होता है तो इसी तरह के जजमानी प्रथा के आधार पे उनके यहाँ कोई फंक्शन होता है तो जो मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग होते हैं, जो दलित लोग होते हैं, वो जाकर के साफ सफाई वगैरह करके आते हैं, ठीक है। कई सारे जो रिमोट एरियाज में जो गांव है, दूर दराज के जो गांव है, वहां पर आज भी जजमानी प्रथा जिंदा है। आज भी लोग पूरा का पूरा परिवार जो है एक घर में काम कर रहा है बिना पैसे के, क्यों, क्योंकि भैया पीढ़ी दर पीढ़ी अब काम करते चले आ रहे हैं, तो सब कर। सेरेमोनियल एक्सचेंज जो होता है वो किसी विशेष उपलक्ष में होता है, जैसे कि बर्थडे पे एक्सचेंज कर दिया, जैसे पुटलाच, ये सब सेरेमोनियल एक्सचेंज होते हैं, जैसे कुलरिंग, ठीक, कुलरिंग वो सेरेमोनियल एक्सचेंज है, ठीक है, जिसमें अपन सुवालू और मवाली का एक्सचेंज होता है, यानी आमलेंड और नेकलेस, ठीक, उसका एक्सचेंज होता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो सेरेमोनियल होता है, लेकिन उसके पीछे ट्रेड की भावना होती है, बहुत सारा सामान लेकर के नाव पे अपने अपने निकलते हैं लोग, ठीक है। रेसिप्रोसिटी में ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको, रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है मैं ऑलरेडी समझा दिया, और मार्केट एक्सचेंज भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया।
ठीक है, तो जजमानी व्यवस्था भी समझ गए, औपचारिक विनिमय भी समझ गए, परस्परिकता भी समझ गए, पुनर्वितरण भी समझ गए, बाजार या वाणिज्यिक एक्सचेंज भी आप समझ चुके हैं अच्छी तरह से। पुलरिंग ऑफ एक्सचेंज की बहुत इलेबोरेटली स्टडी की है बी मेलिनोस्की ने, हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जल्दी से रिवाइज कराना है, रिविजन कर। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, ये जो है ना क्लास, ये फ्री क्लास है, यहाँ पे मैं अपनी क्लास का ना केवल 1% लेकर आया हूँ, प्लीज ये ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि करीब 15 दिन तक क्लास चलती है, अब उसको 1.5 घंटे में कंप्लीट कराना तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से सिर्फ एक छोटे से रूप में, तो मेरे स्टूडेंट से मैं बिल्कुल मतलब प्रार्थना कर रहा हूँ समझ लीजिएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि आपका यूनिट 6 जो है वो मेरे स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूँ कि कंप्लीट हो गया, आप लोगों को एक बार अपना पूरा यूनिट 6 देखना है बच्चों, हैं ऐसा मत करना, नहीं तो फिर कार्ल मार्क्स का फॉल्स कॉन्सियसनेस आ जाएगा, ठीक है, कि आपको लगेगा कि अरे यार सर ने तो यूनिट 6 करा दिया था कंप्लीट रिवीजन, ठीक है। तो आप लोग पूरा, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, अपने नोट्स को पूरा अच्छी तरह से पढ़िएगा, ठीक, समझ में आ गई बात। ठीक है, मेलिनोस्की ने ट्रॉब्रियंट आइलैंडर्स ऑफ न्यू गिनी जो है किताब लिखी है, ठीक, इनका ट्रॉब्रियंट आइलैंडर्स करके ही किताब का नाम है, ठीक है, ट्रॉब्रियंट आइलैंडर्स, ठीक, तो उसमें इन्होंने लिखा है। कुला इज ऑल्सो नोन एज कुला एक्सचेंज और कुला रिंग। रिंग क्यों कहते हैं, मैंने आप लोगों को अपनी क्लास में जो है ये देखी, ये यहां पे वो आइलैंड का डायग्राम नहीं दिख रहा है, आइलैंड का डायग्राम नहीं आया है, ठीक है, वरना मैंने क्लास में जब समझाया है तो मैंने वो आइलैंड भी दिखाया है। तो वो आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशन में इस तरह के आइलैंड ऐसे बने हुए होते हैं, तो वो ना ऐसे सर्कुलर बने हुए हैं बहुत सारे सर्किल में। तो क्या होता है, जैसे यहां का एक आदमी अपनी नाव लेकर के निकला, ठीक, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा ये भी फिक्स होता है, ठीक है, ये इस पे निर्भर करता है कि उसने क्या लिया हुआ है, आमलैंड लिया है कि नेकलेस लिया है डिस्ट्रीब्यूट करने के, ठीक, वो इसका डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो है तय करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये कुला रिंग कहलाता है, एक्सचेंज ऑफ ऑर्नामेंट्स होता है इसमें, लेकिन ये केवल ऑर्नामेंट्स लेकर के नहीं जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल जो है पूछा हुआ है कि केवल क्या ये ऑर्नामेंट लेकर के जाते हैं, इतना हजारों किलोमीटर जो है सफर तय करते हैं ये, तो केवल क्या वो सिर्फ वो आर्मलैंड और नेकलेस लेकर जाते हैं, नहीं, इसके साथ बहुत सारी कमोडिटी का एक्सचेंज होता है, यानी वस्तुओं का एक्सचेंज होता है, ठीक। कुला न्यू गिनी के ट्रॉब्रियंट द्वीप समूह पर रहने वाले निवासियों के बीच औपचारिक आदान प्रदान की विधि को कहा जाता है, ठीक है, इसे कुला रिंग या कुला विनिमय कहा जाता है, ठीक। तो द्वीप समूह के में भ्रमण, वहां के लोगों के साथ दो प्रकार के आभूषण जो होते हैं उनके साथ जो भ्रमण किया जाता है, और साथ ही भोजन और वस्तु का व्यापार भी किया जाता है। याद रखिएगा, केवल ये इस चीज का एक्सचेंज नहीं होता है कि अपने नाव में सिर्फ यही भर के लेकर जा रहे हैं एक्सचेंज करने के, और सिर्फ यही भर के लेकर, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो जो आर्मलैंड होता है, जो ये जो चीज है ये एंटी क्लॉकवाइज होती है, सदर्न डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा, विपरीत। अच्छा, अभी मेरे को आपको लग रहा है कि मैं हाइड कर लूं अपने आप को, हैं, चलो मैं हाइड कर लेता हूं, ठीक है, हाइड कर लेता हूं ताकि आप अच्छी तरह से देख पाए, 1 मिनट के लिए हाइड कर रहा हूं, ठीक। ये जो है ना, ये बेटा नीचे जहां से मैंने हाइड किया है, ये आर्मलैंड है, आर्मबैंड कहते हैं इसको, सॉरी आर्मबैंड यानी बाजूबंद, इसको इससे बाजू में बांधा जाता है ऐसे करके, ठीक है, यहां पे। तो ये जो होता है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में आइलैंड जो होते हैं उधर घूमे जाते हैं, समझ गए, यानी कि सदर्न डायरेक्शन नीचे की तरफ आता है, ठीक। और जो नेकलेस होता है, जो गले का हार होता है, जिसे हम वैगुनी कहते हैं या सोलवा कहते हैं, ठीक, आम बैंड को मवाली कहते हैं, और मतलब कि नेकलेस यानी हार, हार को क्या कहते हैं, वैगुनी या सोलवा कहते हैं, वो
नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, यानी कि क्लॉकवाइज। ठीक, तो हार जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, और जो क्योंकि ये सवाल पूछता है कि कौन सा क्लॉकवाइज होता है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, चलिए समझ गया ना अच्छी तरह से। तो ये लेकर के जाते हैं, लेकिन सिर्फ यही लेकर के नहीं जाते हैं, इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें लेकर के वो जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोड ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, एक बात यहां पर मैं और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं स्टूडेंट्स, कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो 12 तारीख को, कल मैं यूनिट 7 का रिवीजन कराऊंगा, 12 तारीख को, ठीक है, जितनी भी बची हुई यूनिट है ना वो पूरी कंप्लीट करा दूंगा। यानी एग्जाम देखो, यूनिट 1-5 मैं ऑलरेडी करा चुका हूं ना कंप्लीट। ठीक है, वो वीडियो अगर नहीं देखा उसको ढूंढो, मिल जाएगा। ठीक है, JRF एक्सप्रेस नाम से, सोशियोलॉजी मनोज सर बाय सोशियोलॉजी, फुल रिवीजन नाम से अगर आप देखो ढूंढोगे तो वो मिल जाएगा। उसमें 1-5 तक मैंने करा दिया, 6 और 7 यहां पर आपकी करा दी, लेकिन 6 और 7 हम फिर से करेंगे। ठीक, कब करेंगे, कब करेंगे, 12 तारीख को, याद रखना 12th को क्या है, मंडे, लेकिन टाइमिंग जो है ना उसका वो है शाम के 4 बजे। ठीक है, तो टाइम याद रख लो, दीवार पे लिख लो, मिस मत करना। लाइव अटेंड करोगे तो मैं पूरा करा दूंगा, स्टूडेंट्स की संख्या पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर अच्छी तरह से स्टूडेंट अटेंड करेंगे, जैसे पिछली बार अटेंड किया था आप लोगों ने, 3 घंटे क्लास चली थी, ठीक उसी तरह से आप लोगों को पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा। ठीक है, 12 तारीख को, तो घबराइएगा मत बिल्कुल, एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल डट के, मनोज सर के स्टूडेंट हैं आप, डर बिल्कुल नहीं रखना है अपने अंदर। ठीक, डर सिर्फ उतना जितना कि आप नियंत्रित कर सके, उसके बाहर आपका डर नहीं जाना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन आपको बनता है, आ करके ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार बनता हुआ सवाल गलत करके आ गया, ये नहीं होना चाहिए, समझ गए। मोड ऑफ प्रोडक्शन डेबिट ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको मटेरियल नहीं मिलता है, आप सर पटक लेते हैं, आपको कहीं पर भी, सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में ही नहीं आता है कि ये मोड ऑफ प्रोडक्शन डेबिट है क्या। मोड ऑफ प्रोडक्शन डेबिट जो है, सबसे पहली बात मोड ऑफ प्रोडक्शन समझ लो क्या होता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है FOP प्लस ROP। अब कई सारे मेरे स्टूडेंट्स को सबको समझ में आ गया हो कि FOP क्या होता है और ROP क्या होता है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि FOP ROP क्या लिख दिया सर ने, मैथ्स पढ़ा रहे हैं क्या, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं क्या। नहीं, इसका मतलब होता है फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन की ताकतें। उत्पादन का बल, जब अपन कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करते हैं तो ये फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ये होती है इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रीज, कैपिटल, कैपिटल, क्योंकि कैपिटलिस्ट होते हैं, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल याद रखिए, कैपिटल होता है फोर्स। अगर पैसा ना हो तो क्या आप कोई चीज का उत्पादन कर सकते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, नहीं कर सकते। आरोपी क्या होता है, आरोपी होता है लेबर। अगर मान लीजिए लेबर ना हो, ठीक, श्रमिक ना हो, यह पूंजी और यह श्रमिक, अगर मान लीजिए श्रमिक पूंजी नहीं है तो भी आपका काम नहीं हो सकता, और मान लीजिए श्रमिक ना हो तो भी आपका काम नहीं हो सकता। यानी ये दोनों चीजों मिलाकर के एक क्या बन जाती है, एक प्रणाली बन जाती है। तो इसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब यह प्रणाली बदलती भी है, ठीक, अलग अलग सोसाइटी के। जब मैंने कार्ल मार्क्स पढ़ाया था ना आप लोगों को, तो वो वाला जो 1-5 यूनिट वाला जो है ना, उसको अगर आप देख लेंगे तो उसमें कार्ल मार्क्स सबसे पहला टॉपिक है। ठीक है, तो उसको देख लेंगे ना आप, तो फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो लास्ट मिनट रिवीजन वाला वीडियो है ना, उसमें मैंने केवल यूनिट 1 पढ़ाया था, तो यूनिट 1 जो है ना उसको देख लो अच्छी तरह से। ठीक है, ऑल 26 थिंकर्स उसमें है, कंप्लीट है। ठीक है, तो वो देख लेना, ठीक, उसको सर्च कर लेना तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो FOP मतलब उत्पादन का बल, उत्पादन की शक्तियां, ठीक है, बल या शक्तियां कह सकते हो। और ROP मतलब उत्पादन का संबंध, जो उत्पादन के साथ संबंध बनाते हैं। अब अगर इन दोनों के बीच में, फोर्स के बीच में यानी बल के बीच में और श्रमिक के बीच में अगर आप संबंध ना बनाएं, तो क्या ये दोनों, अगर उसी प्रकार हो जाएगा कि एक तरफ सीमेंट रखी, एक तरफ ईंट रखी, एक तरफ गिट्टी रखी, मतलब सारा सामान रखा है, आप उसको घर नहीं कह सकते। उसको आप घर तक कब कहेंगे, तब कहेंगे जब एक सिस्टमैटिक वे में
आप उन्हें अरेंज करते हैं, है ना, दीवार बनाते हैं, पिलर्स बनाते हैं, ऊपर छत बनाते हैं, ठीक, उसमें लोग रहते हैं, तब आप उसको घर कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अब मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट क्या है, मतलब उत्पादन की प्रणाली पर चर्चा और परिचर्चा, ये क्या है। तो ये है कि आजादी के पहले हम क्या बदल गए हैं या हम नहीं बदले हैं। तो दो स्कूल ऑफ थॉट है, जो एक ये कहता है कि हम बदल गए हैं, दूसरा कहता है कि हम नहीं बदले हैं। तो इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं स्टूडेंट, सिर्फ मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट पर पूरी क्लास होती है 1.5 घंटे की, ठीक है। तो यहां पर मैंने आप लोगों को सिर्फ एक कहानी के रूप में मैंने आपको समझा दिया कि मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट होता क्या है। तो आजादी के बाद क्या बदलाव आए हैं, आजादी के पहले क्या बदलाव आए हैं या नहीं आए हैं, वही समाज चल रहा है, ठीक है, वही प्रक्रिया चल रही है हमारे कृषि भूमि में, रूरल सोसाइटी में, ठीक, इस पर केंद्रित था प्रोडक्शन ऑफ डिबेट। स्टूडेंट जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दो, क्योंकि जितने इतने सारे लोग आप देखो देख रहे हो, ठीक, अगर आपको फायदा हो रहा है तो लाइक करो। फिर हम इसमें इसी में हम प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी रिलेशन भी देखेंगे कि प्रॉपर्टी कितने तरह की होती है, ठीक। तो आते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि मैथ्स के चैंपियन टीचर, इनके जैसा मैथ्स तो कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक, यूजीसी नेट की पूरी फैकल्टी में, ठीक है, मतलब आप यूट्यूब पे कोई भी यूट्यूबर जो है, जो यूट्यूब पर या ऑनलाइन जो टीचर पढ़ा रहे हैं, या मैं तो कहूंगा कि इंडिया में इतने सरल तरीके से मैथ्स आपको कोई नहीं पढ़ा रहा है, हर एक स्टूडेंट जो है वो निशान सर के फैन है, ठीक। तो ये वर्कशॉप लेने वाले हैं और टिप्स बताने वाले हैं, ये जो टिप्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, हजारों इंटरव्यू लिया करते हैं हम लोग, ठीक, हजारों स्टूडेंट्स जो हमारे से सिलेक्ट हो जाते हैं, वो उनके इंटरव्यू से उनका क्रक्स लेकर के आपको ये टिप्स बताए जाते हैं। तो 16 सितंबर को इन्हीं टिप्स के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, कौन, हमारे सुपरस्टार टीचर निशांत सर, ठीक, 8 बजे, तो जरूर से अटेंड कर लेना, ठीक है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किए हो तो उसको ज्वाइन कर लो, बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर नाम से टेलीग्राम चैनल चलता है, ठीक है। ठीक, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लेकर के आता हूं, उसका लिंक आपको सबसे पहले वहीं पर मिलता है। और अगर एनरोलमेंट करना चाहे तो 9241333666 पर आप कॉल करके एनरोल कर सकते हो, 9650052904 पर भी आप एनरोल कर सकते हो। व्हाट इज मोड ऑफ प्रोडक्शन इन द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन, देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक, प्रोडक्टिव फोर्सेस, प्रोडक्टिव फोर्सेस क्या है, देखिए क्या होती है प्रोडक्टिव फोर्सेस, ह्यूमन लेबर पावर एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें टूल्स आता है, मशीनरी आता है, फैक्ट्री आता है, बिल्डिंग आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, टेक्निकल नॉलेज आती है, रॉ मटेरियल आती है, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, एक्सप्लॉयटेबल लैंड आता है, यानी लेबर पावर प्लस दिस थिंग, ठीक है, ये सब मिलाकर के क्या बनता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन बन जाता है, उत्पादन का तरीका। उत्पादन का तरीका किससे बन रहा है, श्रमिक, श्रम शक्ति और उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन में क्या आती है, मशीन, कारखाने, इमारतें, बुनियादी ढांचा, तकनीकी ज्ञान, कच्चा माल, पौधे, जानवर जो लगे हुए होते हैं, ठीक है, जैसे आप खेती कर रहे हैं एग्रीकल्चरल, तो वहां पे जानवरों से खेती कराई जाती है ना, तो इस तरह से, ठीक। अब बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने बताया है कि आजादी के बाद इस तरह का समाज हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहली है उत्सा पटनायक, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है उत्सा पटनायक। उत्सा पटनायक की बहुत इंपॉर्टेंट किताबें मैं आप लोगों के लिए यहां पर लेकर के आया हूं, याद रख लीजिएगा, पूछेगा, ठीक। मेरे को उम्मीद है कि यूजीसी नेट 2022 उत्सा पटनायक पर फिर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला किताब है पीजेंट क्लास डिफरेंशिएशन स्टडी इन मेथड, ठीक, ये इनकी किताब है। दूसरी है लॉन्ग ट्रांजिशन, इनकी किताब है द रिपब्लिक ऑफ हंगर एंड अदर एसेस। अच्छा, मैं आपको यहां पर बता दूं 10 से ज्यादा किताबें इन्होंने एडिट की हैं जो हम लोग क्लास के टाइम पर आपको पढ़ाते हैं, ठीक। यहां पर इन्होंने भी देखिए, ये सब जो है ना, मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट जो है ना, ये मेनली मार्क्सिस्ट
है। तो ये क्योंकि ये मार्क्सिस्ट है, एक बात आपको यहां पर समझ लेनी चाहिए कि जितने भी लोग जो की बात मैं अभी आपको यहां पर करने वाला हूं, वो दो तरह की क्लासेस बताते हैं समाज में। एक होता है एक्सप्लॉइटिंग क्लास, यानी कि वो क्लास जो लोगों का शोषण कर रही है, और दूसरा वो क्लास जो एक्सप्लॉइटेड क्लास होता है, यानी जिनका शोषण हो रहा है। तो ये कहते हैं कि सबसे पहले नंबर पे उत्सव पटनायक कहते हैं कि लैंडलॉर्ड होते हैं, ठीक, लैंडलॉर्ड। और लैंडलॉर्ड भी दो भाग में डिवाइडेड है हमारे आज के रूरल समाज में, एक है कैपिटलिस्ट, दूसरा है फ्यूडल। कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जिनकी जमीनें बहुत सारी गांव में हैं, लेकिन वो रह शहरों में रहे हैं, लेकिन वहां पे पैसा भेजते हैं, वहां पे अनाज उगाते हैं और उसको बेच करके उनके पास बहुत सारा पैसा आता है। फ्यूडल सोसाइटी ऐसे सोसाइटी है, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ऐसे वो लोग होते हैं जिन्हें हम सामंती कहते हैं। इनके पास जमीनें होती हैं बहुत सारी और ये गांव में ही रहते हैं, लेकिन अपने गांव में खेती नहीं करते, ये मजदूर लगा करके खेती करवाते हैं। तो उन्हें क्या कहा है, उन्हें एक्सप्लॉइटिंग क्लास कहा है। क्यों? क्योंकि ये उन मजदूरों का शोषण करते हैं। जो कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो भी शोषण करते हैं, इन्हें इन्होंने शोषक वर्ग में रखा है, ठीक। रिच पीजेंट्स थर्ड क्लास होती है, रिच पीजेंट्स। अब ये अमीर किसान होते हैं जो अधिया तिनकतिया सिस्टम पे जो वर्क करते हैं, आधी जमीन किराए पे दे देते हैं, आधे पे खुद करते हैं, आधी जमीन किराए पे दे देते हैं, ठीक, इस तरह से काम करते हैं। तो उसे प्रोटो बुर्जुआ कहा जाता है, प्रोटो फ्यूडल कहा जाता है, ठीक। अभी हिंदी मीडियम वालों पे भी मैं आऊंगा, सबके लैंग्वेज जो है समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एक्सप्लॉइटेड क्लास इन्होंने पुअर पीजेंट और फुल टाइम वेज लेबरर कहा है। पुअर पीजेंट्स वो होते हैं जिनके पास जमीन होती है लेकिन बहुत छोटी सी जमीन होती है, वो मतलब पूरा साल अपना चला नहीं पाते उस जमीन के सहारे, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों के यहां भी जाकर के काम करते हैं। और पुअर पीजेंट ऐसे भी लोग होते हैं जो केवल टेनेंट होते हैं, ठीक है, मतलब कि किराए से ले ली है जमीन और उस पर काम कर रहे हैं, जीवन बीत गया काम करते करते, थोड़ा अपने पास रखते हैं, बाकी मालिक को दे देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये पुअर होते हैं, ये एक्सप्लॉइटेड होते हैं। फुल टाइम लेबरर के पास बेचारों के पास कोई जमीन ही नहीं होती है, वो सिर्फ बेचारे मजदूरी करके ही काम चलाते हैं, और वो भी गांव के अंदर मजदूरी, ठीक है। तो उत्सव पटनायक ने भारत में निम्नलिखित कृषि वर्गों को सूचीबद्ध किया है। सबसे पहला ये कहते हैं शोषक वर्ग, दूसरा कहते हैं शोषित वर्ग, इन्होंने दो भाग में विभाजित किया है। तो शोषक वर्ग में सबसे पहले इन्होंने बताया कि जमींदार होते हैं, जमींदार में पूंजीवादी आते हैं और सामंती आते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने शोषक वर्ग में बोला कि अमीर किसान होते हैं, अमीर किसान में प्रोटो पूंजीवाद होते हैं और प्रोटो सामंती होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि शोषित वर्ग भी दो भाग में डिवाइडेड है, एक है गरीब किसान, दूसरा है पूर्णकालिक मजदूर। जो बुरा गरीब किसान होता है, उस बेचारे के पास छोटी सी जमीन होती है, वो उसमें अपने घर का काम नहीं चला पाता है, ठीक। और छोटा जो किराएदार होता है उसके पास, मतलब कि वो किराए पे जमीन ले लेता है और उसमें अपना जीवन जो है वो काटता है। हमजा अलवी, हमजा अलवी देखिए, उत्सा पटनायक कहती हैं कि कोई बदलाव नहीं आया है। जो शोषक पहले थे, जो जमींदार पहले थे, जिनके पास पहले पैसा था, आजादी के बाद भी उन्हीं के पास जमीन है, लेकिन हमजा अलवी कहते हैं कि बदलाव आया है, ठीक है, मोड़ा प्रोडक्शन चेंज हुआ है, ये कहते हैं हमजा अलवी। हमजा अलवी कहते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने बहुत कुछ बदल के रख दिया है, हरित क्रांति ने बहुत सारे लोगों को अमीर बनाने का काम किया है, हमजा अलवी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से एंड्रे गुंटर फ्रैंक और अर्नेस्ट लकाऊ ने, ठीक, लैटिन अमेरिका की स्टडी करी, बिल्कुल सेम जैसे हमजा अलवी ने किया है, ठीक है। तो एंड्रे गुंटर फ्रैंक और अर्नेस्ट लकाऊ के बीच जो है प्रसिद्ध विवाद हुआ है, ठीक है, लैटिन अमेरिका में, जिस तरह से हमजा अलवी भी यही मानते हैं, एंड्रे गुंटर फ्रैंक और लकाऊ भी मानते हैं कि भैया बदलाव आए हैं, ठीक है। अब क्या क्या बदलाव आए हैं वो डिटेल में हम क्लास में डिस्कस करते हैं, बस इतना समझ लीजिए कि हमजा अलवी ने कहा था कि यस चेंजेस आए हैं। और इन्होंने भी जो है दो क्लासेस के बारे में बताया है, ठीक, एक एक्सप्लॉइटिंग होता है, दूसरा एक्सप्लॉइटेड होता है। अब आते हैं अशोक रुद्र पे, अशोक रुद्र भी मार्क्सिस्ट हैं और इस पर भी क्वेश्चन जो है पूछेगा, जिसपे मैं 2022 लिखता हूं ना, वो मेरा ऐसा गैस वर्क होता है, और कई बार ऐसा हुआ है, पिछले बार भी, बहुत बार भी ऐसा हुआ है कि जिस पर मैं लिखता हूं उससे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं लगभग, क्योंकि ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस हम लोग बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो अशोक रुद्र कहते हैं कि
तीन तरह से इन्होंने कैटेगराइज किया है फार्मर्स को, ठीक है। रूरल सोसाइटी में मेनली ये डिबेट देखा जाता है, स्मॉल फार्मर्स, मिडिल फार्मर्स और बिग फार्मर्स, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा कि दो क्लासेस होती हैं, दो ही क्लासेस हैं, ठीक। इसको आप इंटरनली डिवाइड नहीं कर सकते, अशोक रुद्र कहते हैं। अशोक रुद्र कहते हैं कि किसानों की तीन श्रेणियां होती हैं, एक छोटे किसान होते हैं, एक मध्यम किसान होते हैं, एक बड़े किसान में विभाजित आप कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पे जो एक दूसरे के विपरीत पाए जाते हैं वो केवल दो ही वर्ग है, एक है बिग लैंड ओनर्स और दूसरा है एग्रीकल्चरल लेबरर्स, बड़े जमींदार और खेतीहारी मजदूर, बस ये कहते हैं यही दो क्लासेस। अशोक रुद्र ने बेटा दो क्लासेस बताई, ठीक है, लेकिन इंटरनली तीन श्रेणियां बताई, ठीक। जैसे कार्ल मार्क्स की भी अगर अपन बात करें ना, तो वो कहते हैं कि दो मेन क्लासेस, फिर बीच में कुछ लोग रहते हैं लेकिन वो चले जाते हैं गरीबों के साथ जब रिवॉल्यूशन होता है, वही बात है अशोक रुद्र की भी है कि श्रेणी तीन है लेकिन वर्ग केवल दो ही है, बिग लैंडलॉर्ड और एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ठीक है, खेतीहारी मजदूर। हैरिस, हैरिस कहते हैं एग्रेरियन क्लास जो होते हैं वो कैपिटलिस्ट फार्मर होते हैं, वो रिच पीजेंट्स होते हैं, पूंजीवादी किसान होता है, धनी किसान होता है, ये इन्होंने पांच तरह से डिवाइड किया है, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पांच नहीं चार, चार तरीकों से, ठीक है, चार चार क्लासेस दी हैं हैरिस ने, ठीक। हैरिस कहते हैं सबसे पहली जो क्लास होती है किसी भी कृषक समाज में वो होती है कैपिटलिस्ट फार्मर, जो पैसा लगाते हैं, ठीक, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, वो पैसा लगाते हैं, रहते शहरों में, ठीक है, और वो खुद से वहां पे गांव में नहीं रहते हैं, और रहते भी हैं तो वो काम नहीं करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं रिच पीजेंट्स, रिच पीजेंट्स गांव में ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन लेबर पे डिपेंड होते हैं, फैमिली, उनकी फैमिली भी खुद जो है कई बार उतरती है खेत में और देखती है, ठीक, सुपरविजन करते हैं, वो धनी किसान होते हैं। लेकिन पूंजीवादी जो किसान होते हैं वो तो नहीं, खेत में ऐसे गए और देखा और आ गए, लेकिन जो धनी किसान होते हैं वो मौजूद होते हैं खेत पे जब तक कि काम नहीं हो जाता पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट मिडिल पीजेंट। इंडिपेंडेंट मिडिल पीजेंट कौन होते हैं, जिनके पास जमीन होती है, इतनी जमीन होती है जिससे कि वो अपना घर चला पाते हैं, हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाते हैं, ठीक, वो स्वतंत्र माध्यम किसान होते हैं, ठीक है, घरेलू आवश्यकताओं को पूरी कर पाते हैं वो, या एक दो गुना उपज जो है वो मिल जाती है उनको, तो अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वो किसी और पे निर्भर नहीं होते, इसलिए वो स्वतंत्र होते हैं। दूसरे किसान होते हैं, मतलब चौथे किसान होते हैं, वो होते हैं, चौथा वर्ग होता है गरीब किसान। गरीब किसान वो होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, जो श्रम करते हैं बेचारे, वो वेज लेबरर होते हैं, मजदूरी पे जीते हैं, ठीक है, श्रम मजदूरी पर निर्भर करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरह से। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको साबित करना है कि आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है, तो आप कैसे साबित करते हो, आप जाके ये बताते हो कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, आपकी, आपके पास क्या दस्तावेज हैं। अगर आपके पास दस्तावेज हैं तो आपकी प्रॉपर्टी है। जमीन पर आप भले ही सालों से काम कर रहे हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो सरकार आपको कभी भी हटा सकती है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट, आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया तो फिर आप कोर्ट में जाकर के अपना अधिकार जता सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर आप 500 साल से भी अगर किसी जमीन पर काम कर रहे हैं और अगर आपके पास उससे रिलेटेड दस्तावेज नहीं है, दस्तावेज बनवा लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी का राइट्स सिर्फ जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है वो डॉक्यूमेंट से होती है। प्रॉपर्टी राइट्स आर बैक्ड बाय द स्टेट एंड एनफोर्स्ड थ्रू इट्स लीगल इंस्टीट्यूशन। संपत्ति का अधिकार राज्य द्वारा समर्थित होता है, राज्य के द्वारा समर्थित होता है, और विधिक संस्थान जो होते हैं वो उसे लागू करते हैं। आपकी संपत्ति अगर किसी ने कब्जे में कर ली तो ये जो वहां की विधिक संस्थान होती है, जो कोर्ट होते हैं, जो न्यायिक संस्थान होते हैं, वो
जो है वो आपको वापस दिलाने का काम करते हैं आपके अधिकार, क्योंकि आपका अधिकार है जब आपने डॉक्यूमेंट शो कर दिया तो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत बड़ी क्लास होती है, बहुत लंबी क्लास होती है, तो यहां पे मैं शॉर्ट करके लाया हूं। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी, दूसरी होती है कॉमन प्रॉपर्टी। मोटे मोटे तौर पर हम संपत्ति के प्रकार को दो तरह से, एक निजी संपत्ति और दूसरी सार्वजनिक संपत्ति। आपने देखा होगा कि निजी संपत्ति जो होती है, जैसे आपके जो खुद के घर जो होते हैं वो आपकी निजी संपत्ति होती है, लेकिन आपने देखा होगा कई सारी धर्मशालाएं होती हैं। ठीक, जैसे टॉयलेट जो देख लीजिए आप, जो बाहर बने हुए होते हैं, आजकल बदबू आती रहती है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो सार्वजनिक संपत्ति होती है। जैसे रेलवे है, रेलवे सार्वजनिक संपत्ति है। ठीक है, तो वहां पे लिखा होता है, क्या लिखा होता है, कि यह सार्वजनिक संपत्ति है, कृपया इसका नुकसान ना पहुंचाएं। अब सार्वजनिक मतलब ये नहीं होता कि ये आपकी संपत्ति है, आप उसमें से कुछ सामान लेकर के अपने घर चले जाएंगे। आपको लग रहा है कि अरे यार ये जो बर्थ है स्लीपर की, ये अच्छी गद्देदार रहती है और हमारे घर पे उतना अच्छा गद्दा नहीं है, तो आप ले जाएं कि ये तो हमारी संपत्ति है, सरकार कह रही है, तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सार्वजनिक, वो सबकी है, उस पर आपका इकलौता अधिकार नहीं है। आपका इकलौता अधिकार कहाँ होता है, आपका इकलौता अधिकार आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी में होता है, जो आपका स्वयं का घर होता है, जो आपका इंडिविजुअल होता है। ठीक है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी एक इंडिविजुअल की होती है या एक ग्रुप की हो सकती है। ठीक है, आमतौर पर व्यक्तियों या समूहों के द्वारा जो है उसका नाम होता है। पब्लिक प्रॉपर्टी रिफर्स टू राइट हेल्ड बाय कम्युनिटी, ये पूरे के पूरे कम्युनिटी की होती है, समुदाय की होती है। ठीक, कैपिटल मार्केट क्या होता है, पूंजीवादी समाज। अच्छा, लेबर मार्केट पहले समझ लेते हैं। लेबर मार्केट क्या होता है भैया, लेबर मार्केट, वन नीड्स टू अंडरस्टैंड हु आर डिमांडर्स एंड सप्लायर इन लेबर मार्केट। लेबर मार्केट मतलब क्या होता है, श्रम। जैसे प्लंबर होता है, तो ये क्या है, प्लंबर। ठीक, प्लंबर हो गया, इंजीनियर हो गया, मैकेनिक हो गया। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब लेबर मार्केट में कहे जाते हैं। ठीक, हाउस होल्ड सप्लाई वाले, लेबर सर्विसेज, ठीक, जिनको वेजेस, जो वेजेस पे काम करते हैं, जो मजदूरी पे काम करते हैं, जो सैलरी पे काम करते हैं। ठीक, सैलरी, ये सब लेबर कहलाते हैं। ठीक, फिर चाहे वो आईएएस क्यों ना हो। अब आते हैं स्टेट एंड मार्केट वेलफेयरिज्म और नियो लिबरलिज्म। इस पर आप लोगों को मैटर नहीं मिलता है, मैं जानता हूं। ठीक है, तो वेलफेयरिज्म क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कल्याणवाद या कल्याणकारी। ठीक, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने इतना सारा कंप्लीट करा दिया ना आपको, कि मैं खुद भी नहीं सोच सकता था कि इतना सारा कुछ इतने कम समय में कंप्लीट हो सकता है। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे फायदा हुआ है, और फायदा हुआ है तो क्या करना होता है, लाइक करना होता है, एक ही बार लाइक। अगर आपने पहले लाइक कर दिया, दोबारा मत कर देना, नहीं तो वो डिसलाइक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अकेले भी बैठते ना और इतना सारा रिवाइज करने की कोशिश करते ना, इतने कम समय में, मैं गारंटी दे रहा हूं आप करके देख लीजिएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक, इतने अच्छे से। ठीक, सबसे पहली बार वेलफेयरिज्म जो वर्ड है वो किसने क्वाइन किया है, जॉन हिक्स ने क्वाइन किया है। ठीक है, जॉन हिक्स सबसे पहली बार क्वाइन किया है। ठीक, कॉन्टेम्पररी सोशियोलॉजी में किसने इस वर्ड को रीइंट्रोड्यूस किया है, अमर्त्य सेन साहब। ठीक, हमारे अमर्त्य सेन साहब ने समकालीन बहस में इन्होंने इसे पुनः पेश किया है। ठीक, वेलफेयरिज्म, वेलफेयरिज्म क्या होता है, वेलफेयरिज्म का संबंध सीधे सीधे एक शब्द में बताऊंगा आप लोगों को, और अगर आपको पता है तो आप बताइए, देखें किसको याद है। जैसे मैं हमेशा कुछ ऐसे कीवर्ड बता देता हूं क्लास के अंदर, जैसे कम्युनिटी का कीवर्ड मैंने आप लोगों को क्या बताया था, वेलफेयरिज्म, मतलब सॉरी टुगेदरनेस, वेलफेयरिज्म आ गया, टुगेदरनेस और बाउंड्री, ये कम्युनिटी यानी समुदाय। ठीक, यानी हम की भावना और सीमाएं, क्षेत्र। ठीक, ये होता है कम्युनिटी की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसी तरह से वेलफेयरिज्म को क्या कहते हैं, अगर आप बता दिए मैं समझूंगा गजब, याद है आपको, अच्छे से रिविजन किया है आपने। क्या होता है कल्याणवाद, इतनी देर तक वेट कर रहा हूं, किसी का भी नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन,
जस्ट मतलब जस्टिस, ठीक, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी न्यायिक, वितरण। बस अगर आपने ये चीज समझ ली ना, न्यायपूर्ण वितरण, ठीक, न्यायपूर्ण कर दो यहां पे, न्यायपूर्ण वितरण, यानी आपको जब मैंने महात्मा गांधी पढ़ाया था तो महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि ये हवा, पानी, जो जमीन के अंदर सोना, हीरा, चांदी, ठीक, ये जो पेड़ पे फल लगे हुए हैं, ये सब भगवान ने बनाए हैं और ये सबको मिलना चाहिए, गांधी जी कहते थे। यही चीज होती है न्यायपूर्ण वितरण, यानी कम से कम बेसिक चीज, कम से कम जो जीने का आधार है, कम से कम वो तो सबके पास हो। मैं कहता हूं कि सबको आप मर्सिडीज गाड़ी ना दें, लेकिन जीने की जो आधारभूत चीज है वो तो कम से कम सबके पास होना चाहिए, रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, ठीक है, कम से कम इतनी आधारभूत चीजें हर एक इंसान के पास हो और एक डिसेंट हो, ऐसा ना हो कि भाई झुग्गी है तो घर मान लिया आपने इसको, ठीक है, हर व्यक्ति के पास कम से कम 2 बेडरूम सेट तो हो, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, इस अप्रोच को जब आप अपनाते हैं कि यार सबके पास कुछ, जैसे हमारी सरकार जो है वो वेलफेयर स्टेट कहलाता है, क्यों कहलाता है, क्योंकि जो गरीब लोग जो अनाज नहीं खरीद सकते हैं उनको 2-3 रुपए किलो में हमारे यहां राशन से अनाज दिया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे वेलफेयरिस्ट अप्रोच कहा जाता है। बस 2 शब्द अगर आप याद रख लेंगे ना, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, न्यायपूर्ण वितरण, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम वेलफेयर सोसाइटी कहते हैं, वेलफेयर स्टेट कहते हैं। ये देखिए ये आ गया, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, न्यायपूर्ण वितरण, सरकार जो आपको फ्री दे रही है, आप सोचते हैं ना कि मेरे को फ्री मिल रहा है, दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है वो 200 यूनिट तक की बिजली फ्री देती है, पहले जब आम आदमी सरकार के पहले जब हम लोग रहते थे ना, मैं सही बता रहा हूं आपको, 700 रुपीज पर मंथ मैं बिजली का दिया करता था और 200 रुपीज पर मंथ मैं पानी का दिया करता था। जब आम आदमी पार्टी सरकार आई तो ये जो 900 रुपीज हम लोग एज अ स्टूडेंट दिया करते थे फ्री में, फालतू में कहना चाहिए, ठीक है, और एक स्टूडेंट के लिए 700 रुपए बहुत बड़ी, मतलब 700 रुपए में महीने भर का उसका बेचारे का कुछ खा लेता है, वो समोसे चाय चल जाते हैं उसके, ठीक है, तो वो 700 रुपए बचने लगे थे। तो ये क्या है, ये हमारा अधिकार है भाई, हम वहां पर हैं, हमारे किराए से वहां की इकोनॉमी चल रही है ना। तो इस चीज को केजरीवाल ने समझा और फिर उसने उसको माफ किया कि भाई बिजली 200 यूनिट तक की नहीं, किराया नहीं देना होगा आपको, फ्री रहेगी 200 यूनिट तक की, क्यों 200 यूनिट के ऊपर उसने पैसे लगाए, ठीक है, समझ गए। चलिए, वेलफेयर स्टेट क्या होता है, सच टाइप ऑफ सोशल पॉलिसीज विच एम टू प्रोवाइड बेसिक, बेसिक याद रखना, बेसिक सर्विसेज सच एज हेल्थ, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड एंड नॉर्मली फ्री ऑफ चार्ज, उसे हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, उसे हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं। कल्याणकारी राज्य सामूहिक रूप से कई सामाजिक नीतियों का वर्णन करता है जिनका उद्देश्य आवश्यकता के अनुसार सामान्य तौर पर राज्य के वित्त पोषण के माध्यम से निशुल्क स्वास्थ्य, निशुल्क शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाएं जो हैं वो प्रदान की जाती हैं, उसे वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। नियोलिबरलिज्म जो है वो सवाल अक्सर पूछता है, सिंपल, इसको भी मैं आपको 3 शब्दों में बता रहा हूं। नियोलिबरलिज्म का सिंपल मीनिंग होता है, नवोदरवाद का 3 शब्द आप याद रखिएगा, फ्री मार्केट कॉम्पिटिशन, ये 3 शब्द याद रख लीजिए, मुक्त बाजार प्रतियोगिता, बस मुक्त बाजार प्रतियोगिता। लेकिन ये 3 शब्द अगर अलग अलग हैं तो इनका कोई मतलब नहीं है। अगर आप नवोदरवाद समझना चाहते हैं तो इन 3 शब्दों को याद रखिए, फ्री मार्केट कॉम्पिटिशन नियो लिबरलिज्म,
मुक्त बाजार प्रतियोगिता। फ्री मार्केट कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि सरकार का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। सप्लाई और डिमांड प्योरली नो कंट्रोल, सप्लाई और डिमांड ही, मार्केट ही, कंपटीशन ही, प्रतियोगिता ही यहां पर निर्धारित करेगी चीजों का प्राइस। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होगा। चीजों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा, उसे नियोलिबरलिज्म कहेंगे, उसे नव उदारवाद कहेंगे। अब आ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन को भी कई बार नियोलिबरलिज्म से ही, वैश्वीकरण को भी नियोलिबरलिज्म से जाना जाता है। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इस धरती पे, इस दुनिया पे, इस विश्व में नियोलिबरलिज्म को पूरी फोर्स के साथ प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक और इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक। ठीक, दुनिया भर में नव उदारवाद को तीन शक्तिशाली संस्थाएं हैं जो लागू करने का काम कर रही हैं, वो है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अंतर अमेरिकी विकास बैंक। ठीक, ये तीन हैं, समझ गए अच्छी तरह से। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैं इस क्लास को खत्म कर रहा हूं। मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो फिर कभी देखेंगे, या 12 तारीख वाली क्लास में देख लीजिएगा, उसमें फुल आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स। तो एक मिनट यहां पर रुक जाइएगा, रुकिएगा, कोई जाएगा नहीं, होमवर्क है, देखिए बहुत सारा रह गया, कोई बात नहीं, रिवीजन तो मैं कराऊंगा ही। होमवर्क है, होमवर्क क्या है, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन केज, डू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को समझाइएगा भी, ठीक। आयरन केज की थ्योरी किसने दी है, सबसे पहली बात तो आपको यह बताना है और समझाना है कि आयरन केज की थ्योरी क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज यार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है इसको, तो सब्सक्राइब कर लो, कितने बार बोलेंगे, ठीक है। मेगा वर्कशॉप होने वाला है, हमारे स्टार टीचर हैं मैथ्स के, ठीक, उनके जैसा मैथ्स कोई नहीं पढ़ा सकता है, तो वो टिप्स प्रोवाइड करने वाले हैं आपको। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप UGC नेट कैसे क्वालिफाई कर पाते हैं, 16 सितंबर को 8 बजे ये वर्कशॉप होगा, जरूर से अटेंड कीजिएगा, ठीक। और बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर, ठीक है, इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। 9241333666 पर कॉल कर सकते हैं, या आप 9650052904 पर भी कॉल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत सारा फायदा हुआ होगा, फायदा हुआ है तो थोड़ा फायदा हमें भी पहुंचा दीजिए, ठीक है। क्या फायदा पहुंचाना है, शेयर कर दीजिए जरा इस वीडियो को जम के, ठीक, काफी है इतना मनोज सर के लिए, ठीक है। चलो थैंक यू, आज मैं इसका वीडियो का व्यूअरशिप देखूंगा कि कितने व्यूज होते हैं शाम तक, ठीक, तो देखिएगा, थोड़ा शेयर करिएगा, जोर लगा के हईशा करिएगा, ठीक। और 12 तारीख को फुल रिवीजन करेंगे, कल यूनिट 7 का रिवीजन करेंगे सुबह 10 बजे, बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।